अगर आप किसी ऑनलाइन स्टोर या सुपरमार्केट में जाते हैं और वहाँ आपका बिल बनता है 1000 का और आपको देने सिर्फ 900 पड़े तो ये जो 100 रुपए आपको वापस मिल रहे हैं, वापस मिलने वाले इसी अमाउंट को हम कहते हैं कैशबैक। किसी चीज की खरीदी करने पर पूरे पैसे देने के बाद कुछ पैसों का वापस आ जाना कैशबैक कहलाता है, या फिर कैशबैक का ये मतलब भी है कि अपनी खरीदारी के बदले पैसे वापस आना। और आसान भाषा में अगर हम कहें कि कैशबैक क्या है, तो इसे ऐसे समझें कि कंपनियां खरीदारी के बाद कैशबैक कस्टमर के वॉलेट में, जहां से आपने खरीदारी की हो, या फिर क्रेडिट कार्ड खाते में वापस जमा कर देती है। क्रेडिट कार्ड तो कई तरह के होते हैं, लेकिन इनमें सबसे खास है कैशबैक वाला क्रेडिट कार्ड, यानी कि खर्च करते जाएं और हर शॉपिंग पर कमाई करते जाएं। इसमें आप जितना रुपया खर्च करते हैं उसी हिसाब से आपको कैशबैक मिलता है। कुछ क्रेडिट कार्ड का ग्रोसरीज कंपनियों से टाई अप होता है, इस तरह खरीदारी पर इन कंपनियों की ओर से ज़्यादा कैशबैक मिलता है। रिटर्न का ये अमाउंट नॉर्मल रिटर्न या कैशबैक से 2 से 4 गुना ज़्यादा हो सकता है। इसमें आप जितना रुपया खर्च करते हैं उसी हिसाब से कैशबैक मिलता है, ऐसा कार्ड ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सभी क्रेडिट कार्ड तो एक ही तरीके के होते हैं, फिर ये कैशबैक क्रेडिट कार्ड क्या है? क्रेडिट कार्ड का सीधा मतलब होता है कि अभी खर्च करें और अगले महीने उसका पैसा चुकाएं। हालांकि कुछ क्रेडिट कार्ड ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा फीचर्स देते हैं, कुछ रिवॉर्ड पॉइंट देते हैं तो कुछ स्पेशल डील और डिस्काउंट। इसी में कुछ कार्ड ऐसे होते हैं जो खर्च करने पर कैशबैक देते हैं। तो आप इतना समझिए कि मार्केट में बहुत से अलग अलग तरीके के कार्ड अवेलेबल हैं, पर आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से तय करना होगा कि आपके लिए कौन सा कार्ड सही है। आइए अब समझते हैं क्या है कैशबैक क्रेडिट कार्ड। हर कैशबैक क्रेडिट कार्ड अपने आप में यूनिक होता है, लेकिन सब में एक बात सेम नहीं होती कि हर कैशबैक क्रेडिट कार्ड कंपनी एक एक रुपए के खर्च पर पैसे देती है, जबकि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो हर शॉपिंग पर कुछ फिक्स अमाउंट देती हैं। जैसे मान लीजिए आपने जितने की शॉपिंग की उसका 1% हिस्सा कार्ड में वापस लौटा दिया जाता है। कुछ कार्ड कंपनीज ज़्यादा कैशबैक देती हैं तो कुछ कम, ये हर कार्ड कंपनी के अपने अलग अलग ऑफर्स होते हैं। मान लीजिए कि मैं क्रेडिट कार्ड से किराने का सामान खरीदती हूँ और घर के बिजली, पानी और फ़ोन का बिल चुकाती हूँ, और ऐसा करते करते मैं क्रेडिट कार्ड से 15,000 रुपये खर्च कर देती हूँ। अगर 15,000 में से 150 रुपये वापस मिल जाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे मैं अपनी खरीदारी बढ़ाती जाऊंगी मेरा कैशबैक भी बढ़ता जाएगा। पर अब सवाल उठता है कि क्या हर खर्च पर कैशबैक मिलता है? तो समझिए कि जनरली हर खर्च पर कैशबैक मिलता है, पर ये हर कार्ड के अलग अलग ऑफर्स पर डिपेंड करता है। और साथ ही इस बात को भी याद रखिए कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से पैसा विथड्रॉल करते हैं तो ऐसे सिचुएशन में आपको कैशबैक नहीं मिलता है। इसलिए अगर आप इन ब्रांड से सामान खरीदते हैं या ऑफर वाले पेट्रोल पंप से तेल भरवाते हैं तो आप फायदे में रहेंगे। कुछ क्रेडिट कार्ड साइन ऑन बोनस की फैसिलिटी देते हैं। अगर मैं शुरुआती 2 से 3 महीने में एक फिक्स्ड अमाउंट से ज़्यादा खर्च करती हूँ तो मुझे अच्छा खासा कैशबैक मिल जाता है। अब एक सवाल और कि क्या ऐसे कार्ड पर कुछ एनुअल चार्ज भी लगता है? कई कार्ड ऐसे होते हैं जिन पर एनुअल फीस देने का रूल है, जबकि कुछ कार्ड लाइफ टाइम फ्री होते हैं। कार्ड लेते समय आपको बैंक से पूछ लेना चाहिए कि कार्ड फ्री है या चार्जेबल। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जो कार्ड एनुअल फीस के साथ आते हैं उन पर ज़्यादा कैशबैक मिलता है। अब एक चीज़ और शेयर करूँ, अगर मैं एनुअल फीस के साथ कैशबैक कार्ड लेती हूँ तो ज़्यादा शॉपिंग पर ज़्यादा कमाई का मौका मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि कैशबैक क्या होता है, कौन सा कार्ड कैशबैक के लिए अच्छा है, और कैशबैक आपको किन किन चीज़ों पर मिल सकता है। इससे जुड़ी किसी भी चीज़ पर किसी भी तरीके का डाउट अगर रह गया हो तो हमें फटाफट कर दीजिए कमेंट।